महेंद्रगढ़ के गांव पाली में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध शराब बेचने वाले पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर निरीक्षक सूबे सिंह, सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी, उप निरीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में की गई, जहां मौके पर यहां पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक खंडर नुमा मकान में रखी शराब की पेटियां चेक करने पर 4,550 पौवे, 336 अद्धे, 96 बोतल देसी शराब, 36 बोतल बियर जब्त की गई। कल रात को एसआई राकेश गश्त पे थे रात्रि को, उस समय सीएम फ्लाइंग की एक सूचना आई, उनको मिली हो इंस्पेक्टर सीआईडी सीएम फ्लाइंग से हैं रेवाड़ी से, उन्होंने राकेश से मिलकर सूचना दी कि गांव पाली में कोई अवैध शराब बेचता है, और अभी अगर रेड की जाए तो वहां मौके पे काफ़ी मात्रा में शराब है। तो सूचना के आधार पर एक रेडिंग पार्टी तैयार की गई, राकेश कुमार और शेड के सीएम फ्लाइंग के साथ में वहां पे रेड की गई। नारनौल के एक निजी होटल में शराब के ठेकेदार रतिराम ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान एक्साइज विभाग और पूर्व विधायक और पुलिस विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए काम न करने देने का आरोप लगाया। दो दिन पहले हुई आगजनी में पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा इसमें पूर्व विधायक और उसके साथियों का हाथ हो सकता है। पूर्व विधायक पहले भी नकली शराब बेचने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं रेट लिस्ट और आमने सामने वाले आरोपों की पड़ताल की तो ठेकेदार की ओर से लगाए गए आरोप सही पाए गए। ये जो कर्ण सिंह ग्रुप है, ये शराब के रेट आधे रेट पे बेच रहे हैं और हमें दुकान चलाने में परेशानी पैदा करते हैं। डीटीसी भाई, जब पुलिस गाड़ियां पकड़ रही है तो क्यों ना कहे भाई, जो ठेकेदारों की गाड़ी है, ड्यूटी पेड गाड़ियां हैं, जिनके पास परमिट है, उनको क्यों पकड़ रहे हो आप? ठेकेदारों की मदद करो, अवैध वालों को पकड़ो। एटीओ सर, जो ठेकों की पॉलिसी है वो उस पॉलिसी के तहत क्या दो ठेके आमने सामने चल सकते हैं? अपने जोन में चल सकते हैं। अपने नहीं, आमने सामने हो सर, आमने सामने। आमने सामने कोई ठेका खुली नहीं सकते। ठीक है, अगर कहीं खुले हुए हों तो उन चेक करके बंद कर देंगे, उनकी जो दूरी है वो दूरी पर रखेंगे।